is going to be the Indian century. ये बाइक अपने पास रहती तो क्या मजा आता यार। एग्जॉस्ट का साउंड सुनो, क्या मस्त आवाज आती है इससे। और बाकी बाइक तो एकदम एक नंबर है, भैया ने क्या सेक्सी एकदम बनवा रखा है बाइक को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। एंड आज का ब्लॉग होने वाला है अपने स्प्लेंडर पे, वो भी 17 साल पुरानी स्प्लेंडर पे। और ये देखो अभी एक सेल्फ में स्टार्ट भी हो चुका है, तो चलो अभी मैं निकला हूँ एक बहुत लंबे टूर पे। तो यार मैं बोलना भूल गया, तो मैं अभी निकला हूँ अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर। मामा की बेटी का शादी हुआ है जहाँ पे अभी मुझे भात खाने के लिए जाना है। तो अभी फ़िलहाल घर से निकले हुए मुझे 10-12 किलोमीटर में आ चुका हूँ और अभी खोरी पहुँचने वाला हूँ। बाइक का तो सब कुछ सही है, मीटर वीटर, बस फ्यूल का मीटर ख़राब है तो फ्यूल का पता नहीं चलता। डर उसी बात का है क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले एकदम बीच घने जंगल के बीचों बीच से जाने वाले हैं। और आगे मुझे मिलने वाले आनंद भैया, यहाँ से अभी 25-30 किलोमीटर चलने के बाद मैं कॉल करूँगा आनंद भैया को, वो भी आएंगे मुझसे मिलने के लिए। वाह वाह, सवारी वाले लोग को देख रहे हो, मुझे देख के पूरा खुश हो रहे भाई। अभी हम लोग ऐसे पुल पर चढ़ने वाले हैं ना जो बिल्कुल धंसने के कगार पर है, लेकिन पता नहीं यहाँ की सरकार, हमारे झारखंड की सरकार कब इसको बनाएगी। मोस्ट डेंजरस पुल, सबसे ख़तरनाक पुल है ये यहाँ का। ये देखो अगर उधर से गाड़ी घुस गई तो इधर से गाड़ी नहीं जा पाएगी। देखो एक बार में एक साइड की ही गाड़ी आ सकती है। और पुल देखो इधर इधर पूरा ख़तरनाक है। अरे हाँ यार, मैं तो बोलना भूल गया, ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग है। अगर आपको ये मोटो ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ट्राई करूँगा मस्त मस्त जगहों को एक्सप्लोर करने का। चतरा यहाँ से 18 किलोमीटर बचा है, तो मैं फटाफट से कॉल कर लेता हूँ यार आनंद भैया को, वो आ जाएंगे उधर से, उनसे भी मिल लेते हैं। 20 minutes later. लो जी लो, तो अभी आ गए हैं अपने आनंद भैया के बाइक पर। और भैया के भी भैया इधर हैं, ये आनंद भैया के भैया हैं और ये हैं अपने कबाड़ी भैया। तो चलो चलते हैं और लाउड्स एग्जॉस्ट का सुनो, बेइज्जती कर ली हो। वाओ, ये बाइक अपने पास रहती तो क्या मज़ा आता है यार। एग्जॉस्ट का साउंड सुनो, क्या मस्त आवाज़ आती है इससे। और बाकी बाइक तो एकदम एक नंबर है, भैया ने क्या सेक्सी एकदम बनवा रखा है बाइक को। और अभी यहाँ से फ़िलहाल अब 10 किलोमीटर और बचा है मेरे दीदी का घर, तो अब चलो चलते हैं धीरे धीरे। अभी इसका डीवी किलर खोल देते तो और ख़तरनाक आवाज़ करता, बट भैया का बाइक है तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है अपने को, जैसे मिला वैसे घर पे पहुंचाना भी है मॉर्निंग में। अभी जा रहे हैं, सुबह पे पहुंचा देंगे। अपना बाइक दे दिए भैया को और आनंद भैया का बाइक ले लिए हम, और क्या मस्त लगता है यार, मज़ा आता है। काश मेरे पास ये बाइक कब आएगा भाई, कब मैं ऐसे बाइक ले पाऊँगा। ओहो साउंड तो सुनो भाई, ये 5 किलोमीटर पूरा खतरनाक जंगल है यार। मैंने आनंद भैया को कॉल इसी वजह से किया था क्योंकि मुझे बाइक चाहिए था यार, उनका बाइक मुझे बहुत पसंद है और इनका एग्जॉस्ट, ओहो क्या बात है। क्या साउंड है भाई, क्या सेक्सी बाइक है। और ये मैं बता दूं, ये NS 200 है,
लाइट में इसको ऑन करता हूँ, देखो कितना खतरनाक लाइट है ये। देखो भाई लाइट देखो, अभी पूरा दिन है मतलब पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं हुआ, और इसका लाइट चेक करो भाई, क्या सेक्सी लगती है इसकी लाइट। मतलब घनघोर अंधेरे में भी ये बाइक को चलाया जा सकता है अच्छे से। वाओ, मुझे जो मज़ा आ रहा है ना, मेरे अंदर जो फीलिंग है अभी फ़िलहाल, मैं बयान नहीं कर सकता भाई। ये ड्रीम है, ड्रीम पता नहीं कब पूरा होगा, बट ड्रीम बाइक है भाई। और बाकी साउंड सुनो भाई, अभी इसकी इसके अंदर का डीबी किलर मैं खोल देता ना, तो क्या इसका साउंड आता भाई साहब। बिना डीबी किलर खोले इतना खतरनाक साउंड कर रहा है ये। वाओ, ये देख लो, ऐसा मेरे बाइक में नहीं होता भाई, जहाँ ब्रेक मारो वहीं पे बाइक खड़ा हो जाती है। आराम से भाई, गाय ना भड़क जाए इनकी। ये ट्रक वाला बीच में कहाँ से आ गया भाई, कहाँ तक ये फंसेगा, इसने फंसा दिया अपने को भाई। भाई छोटा बच्चा क्या देख रहा था बाइक को। तो यार अब बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो चुका है, तो आई होप कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं भाई, क्योंकि ये ट्रक वाला पास देने से रहा, मुझे नहीं लगता कि ये पास देने वाला है मुझे।